नमस्कार। शिक्षक भर्ती परीक्षा के इस विशेष कार्यक्रम दिशा निर्देशन में आपका स्वागत है। हमने हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत, हिंदी मेथडोलॉजी के अंतर्गत कई पाठों का हमने चर्चा किया था। आज के इस कड़ी में हम पांचवी इकाई, जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित है और इसमें कई सारे बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं, तो इसका जो पहला भाग हुआ था उसमें हमने पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय की क्या विशेषताएं हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, उनके कितने प्रकार हैं, उनके गुण कौन कौन से हैं, इन सब पर हमने चर्चा की थी। आज के इस दूसरे भाग में पाठ सहगामी क्रियाएं तथा भाषा प्रयोगशाला की क्या आवश्यकता है या फिर उसकी उपयोगिता क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पाठ सहगामी क्रियाएँ हैं उसकी आवश्यकता क्या है। हम कक्षा कक्ष में जो पाठ पढ़ाते हैं, छात्रों को जब नया ज्ञान प्रेषित करते हैं, तब हमें एक ही पद्धति का अवलंबन नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि करते हैं तो बोझिल महसूस करेंगे छात्र और आपका जो पाठ है वह नीरस उत्पन्न कराएगा। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नई नई क्रियाकलापों को हम कक्षा कक्ष में आयोजन करना चाहिए, जिससे आपका पठन कार्य या फिर पाठन कार्य जो भी हो, अध्ययन अध्यापन, वह सुगम रूप से, सरल रूप से छात्रों तक पहुँचे जाए। साथ साथ छात्र उस पाठ को पढ़ने में, उस विषय के कंटेंट को पढ़ने में अधिक रुचि से सहभागी हों। इसके लिए कई प्रकार की क्रियाओं को या फिर कई प्रकार की सहगामी क्रियाओं को हम लोग अवलंबन कर सकते हैं। वे क्या हैं देखते हैं। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तकों के आधार पर या जब पाठ्य पुस्तकें नहीं थीं तो भाषण विधि द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाता था। यानी प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तकों के आधार पर या जब पाठ्य पुस्तकें बिल्कुल न के बराबर थी, केवल मौखिक विधि द्वारा या फिर भाषण पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाता था। यानी शिक्षार्जन का जो माध्यम था वह केवल मौखिक था। अपने शिक्षक द्वारा या फिर गुरु द्वारा एक उपदेश दिया जाना, फिर छात्र उसे अपने आप में आत्मसात करना, यही क्रिया जो है सतत चलती रहती थी। लेकिन मध्यकाल में तो पुस्तकें ही शिक्षा की प्राप्ति का मुख्य आधारशिला थी। मतलब प्राचीन काल में पुस्तकें नहीं थी, ग्रंथ नहीं थे, भले ही वे लिखे गए हों ग्रंथ प्राचीन, वे जो है मुख्य रूप से मौखिक रूप के बातों को उसका संग्रहण करके, उसका संग्रह करके फिर से उसको लिखा गया है, ऐसी मानी जाती है बात को। लेकिन मध्यकाल तक आते आते इस प्रथा को हम लोगों ने लगभग त्याग कर दिया उसका, और पुस्तकें ही एकमात्र वह साधन बन गई जिसके माध्यम से हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में पुस्तकों का प्रचलन बढ़ गया और साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का जो विषय से संबंधित जो ज्ञान है उसको देने का प्रचलन भी वहाँ पर अधिक मात्रा में हो गया था। शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन के साधनों आदि का महत्व नहीं दिया जाता था प्राचीन काल में। मतलब केवल बस रटना है, पढ़ना है, शिक्षा ग्रहण करना है, गुरुओं के द्वारा बताई गई बातों को अपने आप में, अपने जीवन में आत्मसात करना है, यही एक परिपाटी थी। लेकिन अब यह परिस्थिति नहीं है। प्राचीन काल में शारीरिक खेलकूद हो, शारीरिक शिक्षा हो अपने शरीर से संबंधित, या मनोरंजन जो साधन होते हैं उसके, इन सभी को जो है न के बराबर मान्यता दी जाती थी। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी एक धारणा थी। मतलब रटाई पिटाई, इन दोनों पर ही वह अधिक से अधिक बल दिया जाता था। इसलिए इस पद्धति में घुटन सा महसूस करते थे छात्र, दम घुटने लगता था उनका। यह कौन सी शिक्षा है जिसमें किसी प्रकार का खेलकूद नहीं है, किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं है, वही एक परिपाटी, रटाई पिटाई और घुटाई। इसलिए यह पद्धति को अपनाई जाती थी। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज हम देखते हैं तो सबसे पहले जब छात्र पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा है या फिर पढ़ाई के लिए या फिर कक्षा कक्ष में जाने के लिए तैयार हो रहा है, उसे सबसे पहले खेलकूद से संबंधित शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, शिक्षा उसको पहले दी जाती है, किताबों की नहीं। इसीलिए प्ले स्कूल्स, नर्सरी स्कूल्स,
हाँ, ऐसे स्कूलों का विकास किया जा रहा है, मतलब छात्र को खेल खेल में ही शिक्षा को प्रदान करना, खेल द्वारा शिक्षा को प्रदान करना छात्र को। तो यह जो सहगामी क्रियाएं हैं उससे अनायास रूप से छात्र का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो जाता है। सब लोगों में मिलजुल कर खेलने की आदत वह बना लेता है, सबके साथ काम करने की आदत वह बना लेता है। तो ये जो साधारण सी बातें लगती हैं, लेकिन वे जो है हम उसके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित करा सकते हैं। इसलिए पाठ सहगामी क्रियाओं का जो है बहुत महत्व आज के जीवन में, तो आज के युग में तो बहुत बढ़ गया है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भावात्मक, नैतिक, नेतृत्व आदि सभी पक्षों पर बल दिया जाता है, जो बालक के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में सहायक है। पाठ सहगामी क्रियाओं में किन किन पर विषयों पर ध्यान दिया जाता है? शारीरिक विषयों पर। छात्र का या फिर बालक का शारीरिक विकास हो, शरीर सुदृढ़ बने, हर एक अंग प्रत्यंगों का विकास सही मात्रा में हो, इसके साथ साथ मानसिक क्रियाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। उसका मन जो है खेलकूदों के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान दें, वह किसी और तरीके से इधर उधर न भटकें, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। इसमें आत्मिक मतलब आत्म रूप से जो चिंतन मनन करते हैं उसका भी उपयोग उसमें किया जाता है। भावात्मक, हमारे मन में उठने वाले भावों को हम लोग किस प्रकार से नियोजन करते हैं, उसे किस प्रकार से हम उसको बदलते हैं, इन सभी का उपयोग भी यहाँ पर करना है। नेतृत्व की भावना भी उसमें बढ़ती है। खेलकूद के माध्यम से छात्र अनायास रूप से एक टीम का लीडर होने के नाते उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास वहाँ पर हो जाता है। तो इन सभी गुणों का या फिर इन सभी पक्षों पर जो है बल दिया जाता है, जो बालक के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में सहायक है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास इसी के माध्यम से होता है, बालक का सर्वांगीण विकास भी इसी के माध्यम से होता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर सामाजिक। समाज सेवा करने की भावना भी उसको इन्हीं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से प्राप्त होती है, इसलिए इसका बहुत महत्व माना जाता है। भाषा शिक्षण के भव्य भवन में भाव प्रकाश नींव है और लिखित कार्य ईंट, गारे एवं सीमेंट का कार्य करते हैं। तो भाषा शिक्षण के भव्य भवन मतलब भाषा शिक्षण एक बहुत बड़ी इमारत के समान है। उसमें भाव प्रकाशन मतलब उसमें भावों को हम कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, यह उस भवन की नींव है, उसका वो बेस है। और उसका जो उसके संदर्भ में हम जो लिखित कार्य करते हैं वे ईंट, गारे और सीमेंट का कार्य करते हैं। यहाँ पर संकेतार्थक या फिर बिंब प्रतियोजनाओं के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि भाषा शिक्षण का जो भव्य भवन है वह भाव प्रकाशन की नींव के रूप में वह कार्यरत करता है, और जो लिखित कार्य है वह अन्य साधनों के रूप में उसका कार्य करता है। इसलिए यह अपने आप में महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। शिक्षक ही वह कारीगर है जो इस भवन को ठीक बनाए या बिगाड़ दे। यदि आप ठीक से स्थापत्य कलाकार नहीं हैं, एक अच्छे स्थापत्य कलाकार आप नहीं हैं, तो यह होता है कि आप उस भवन को नेस्तनाबूत कर देते हैं। मतलब सब कुछ वह सामग्री आपके साथ है, लेकिन उसका उपयोग यदि आप ठीक से नहीं कर सकते हैं तो आपकी कारीगरी शून्य मानी जाएगी। इसलिए शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान इस कक्षा कक्ष में या फिर पढ़ाई में होता है। दूसरे देशों में शिक्षकों की जो कदर है उसकी तुलना करें तो हमारे पास थोड़ी सी कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हम अपने कार्य को सही अंजाम देने के लिए अपने आप से जो है प्रयत्न करते रहते हैं। क्योंकि एक छात्र को बनना या बनाना या उसे बिगाड़ना यह शिक्षक के हाथ में होता है। गलत कामों को करने से उसका यदि हम प्रोत्साहन देते हैं तो उसका जीवन जो है वहीं पर खत्म हो गया समझिए। गलत कामों को करने से सौम्य शब्दों में, सौम्य स्वभाव से उसको अगर हम रोक दें, उसे न करने की सलाह दें, तो वह उन कामों को न करेगा और अपने भविष्य की नींव को सुदृढ़ रूप से, बहुत सुंदर रूप से वह रख पाएगा। क्योंकि हमारे द्वारा बताई गई बातों का उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसके भावनाओं पर। हम नए नए शब्दावली का प्रयोग करके उसमें बदलाव ला सकते हैं, और इसी बदलाव के कारण उसका जीवन
संघर्ष में न होकर बहुत ही आसानी से हो सकता है। इसलिए एक शिक्षक में वे सभी गुण होने चाहिए जिससे एक बालक के जीवन को हम लोग संवार सके, भले वो गलतियाँ क्यों ना करें, उन गलतियों को हम पता करके, उन गलतियों को रेक्टिफाई करके ये गलतियाँ आपके जीवन को निस्तनाबूत कर सकती हैं। ऐसी अगर हिदायतें उसको दें तो बच्चा जो है ठीक से समझ सकता है, अपने आप को संवार सकता है। शैली एवं भावाभिव्यक्ति के लिए लिखित कार्य का अभ्यास मनोवैज्ञानिक तकनीक एवं प्रवीणता आवश्यक है। मतलब छात्र द्वारा बोली जाने वाली भाषा की जो शैली है एवं उसके भावाभिव्यक्ति करने के जो लिखित कार्य हैं, अभ्यास जो हैं या मनोवैज्ञानिक तकनीक जो हैं, वो उसमें प्रवीणता आनी चाहिए, उसमें महारत हासिल करनी चाहिए। अन्यथा वे शैली उस भावाभिव्यक्ति का लिखित कार्य का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि जिस एरिया में छात्र रहता है, जिस प्रकार की भाषा का या फिर भाषा शैली का वह प्रयोग करता है, ज़रूरी नहीं कि वही भाषा का प्रयोग हम लिखित कार्य में करें। अक्सर हम यह देखते हैं कि हम भावाभिव्यक्ति, यानी एक छात्र को जब कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते समय जो है उसके मौखिक रूप से उत्तर देने की पद्धति अलग होती है, उसी प्रश्न का उत्तर जब वो लिखित रूप में देता है तो तब उसकी शैली बदल जाती है। तो ये जो भावाभिव्यक्ति की अलग अलग शैलियाँ हैं, उसकी जो प्रकार है, लिखने की जो अलग अलग शैलियाँ हैं, उसके माध्यम से हम जो ज्ञानार्जन करते हैं, छात्रों को ज्ञानार्जन कराते हैं, उसका ज्ञानार्जन और उसका वो परीक्षण करने के लिए भी उसमें प्रवीणता होनी चाहिए, अन्यथा वह कार्य जो है शून्य कहलाएगा। इसके लिए मतलब उसमें प्रवीणता प्राप्त करें, और वह प्रवीणता हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए समय समय पर विश्वविद्यालय में पाठ्येतर सहगामी क्रियाओं का सहयोग लेना आवश्यक है, ताकि बालकों का भाषा संबंधी ज्ञान प्रौढ़ एवं सशक्त हो। इस संदर्भ में निम्नलिखित क्रियाएं आयोजित की जा सकती हैं। मतलब अब बालक का सर्वांगीण विकास हम करना चाहते हैं, पाठ्य पुस्तक के द्वारा या फिर अलग अलग विधाओं के द्वारा या अलग अलग विषयों का ज्ञान प्रदान करा के हम बालकों का समय समय पर सर्वांगीण विकास चाहते हैं, लेकिन क्या केवल बालकों को अपने दिए गए पाठ्यक्रम में या फिर पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी विषयों को पढ़ाने के पश्चात वो अनायास रूप से आ जाएगा? कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में यह तो संभव है, लेकिन उसे जब तक हम समय समय पर सहगामी क्रियाओं पर, मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में हम लोग नहीं समझाएंगे, क्रियाओं का सहयोग नहीं लेंगे, तब तक जो है छात्र का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जो पाठ सहगामी क्रियाएँ होती हैं उनका अवलंबन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इससे बालकों की जो भाषा संबंधी ज्ञान है वह और भी प्रौढ़ होता है, सशक्त होता है। इन संदर्भ में जिन क्रियाकलापों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वे कुछ इस प्रकार है। जो पाठ सहगामी क्रियाओं में सबसे पहला यहाँ पर विषय आता है वाद विवाद और प्रतियोगिता का। मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता, किसी ज्वलंत समस्या को हम लोग देकर उससे संदर्भ में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से हम विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से छात्र अपने मन के विचारों को किस प्रकार से अभिव्यक्त करना है लोगों के सामने, साथ साथ नए विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वह अभ्यासरत होता है। अभ्यास करने के वे जो तरीके अपनाता है वह केवल किताबों के ज्ञान पर निर्भर न होकर नई नई ज्ञान की बातें अर्जित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अन्य पाठ्य पुस्तकें, गहन अध्ययन के द्वारा की जाने वाले पाठ्य पुस्तकें, वर्तमान पत्र, मैगजीन्स, मासिकें, इन सभी का इस्तेमाल करके वो ज्ञान का अर्जन करता है, और इसी के आधार पर वाद विवाद प्रतियोगिता में वह सहभागी लेकर अपने बात के या फिर अपने बात के या अपने बुद्धि के स्तर के पक्षों को वो सामने रखता है और साबित करना चाहता है कि ये बातें जो है इस प्रकार से हम लोग करनी चाहिए, इस समस्या का हल हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये जो वाद विवाद की जो प्रथा है या फिर ये या वाद विवाद की जो प्रतियोगिताएं हैं, हम किसी पाठ को पढ़ाते समय उसमें से किसी अंश को लेकर एक बात को समझाकर छात्रों को उसका मार्गदर्शन करा के उससे संबंधित वाद विवाद हम चला सकते हैं। मान लीजिए 10वीं कक्षा में एक पाठ है माँ मुझे आने दे, कविता पाठ है, ये मुक्तक कविता है,
तो इसमें भ्रूण हत्याओं पर खासकर चर्चा की गई है। भ्रूण हत्याएं केवल गर्भ में लड़की होने के कारण हो रही हैं, इस पर वह बहुत बल देते हैं और कहते हैं कि लड़कियां भी वे सब काम करना चाहती हैं, कर सकती हैं, जब उन्हें इस पृथ्वी पर जन्म लेने दीजिए। तो हम डिबेट के तौर पर, वाद विवाद के तौर पर कक्षा कक्ष में एक विषय रख सकते हैं, भ्रूण हत्याएं और आज का समाज। यह उनको विषय हमने दे दिया, मतलब छात्र भ्रूण हत्याओं की क्यों बढ़ोतरी हो रही है, उससे समाज में किस प्रकार के संदेश जा रहे हैं, महिलाओं पर इस पर क्या क्या असर है, महिलाओं की प्रतिक्रियाएं क्या है, पुरुष की मानसिकता क्या है, आज का समाज किस दिशा में अग्रसर हो रहा है, ऐसे कुछ बारीक बारीक पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर हम बच्चों को पहले बता दें तो छात्र उस विषय को लिखकर, पढ़कर या फिर सोच विचार करके अपने तर्क शक्ति का उपयोग करके उसमें से नई नई बातों को खोज कर निकालेंगे और जिस दिन उस प्रतियोगिता का, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होगा उसमें छात्र अपने अपने पक्ष को सामने रखेंगे। याद रहे, वाद विवाद प्रतियोगिता यानी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं। अक्सर होता यह है कि वाद विवाद मतलब चलो आप मेरी टांग खींचेंगे तो मैं आपकी टांग खींचूंगा, ऐसा नहीं। वाद विवाद में बौद्धिक स्तर पर उन बातों को रखना है जिन जिन विषयों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बौद्धिकता का वहाँ पर विकास हम लोग अनायास रूप से कर सकते हैं। इसलिए वाद विवाद प्रतियोगिता पाठ सहगामी क्रियाओं में अत्यावश्यक मानी जाती है। दूसरी एक सहगामी क्रिया है कवि गोष्ठी या कवि सम्मेलन। छोटे छोटे विषय देकर आशु कविताएं लिखने को हम कह सकते हैं, क्योंकि छात्र बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, वे किसी विषय के प्रति बहुत अच्छे से जानकार होते हुए भी उनको थोड़ा सा अगर हम मार्गदर्शन कर दें कि इस बात को या फिर इस विषय को आप अपने ज्ञान को इस मार्ग से अगर बदल दें तो आप और अच्छी प्रगति कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन करते रहें, नितांत मार्गदर्शन। तो इसके माध्यम से जो कवि हैं, हमारे पाठ के अंतर्गत आने वाले कवि हों या फिर उनसे अलग कोई दूसरे हों, जैसे मान लीजिए बरसते बादल एक 10वीं कक्षा का पाठ है, कविता पाठ, उसमें सुमित्रा नंदन पंत के बारे में प्रकृति के सुकुमार कवि करके कहा गया है, क्या छात्र भी उन कवियों की तरह जिन्होंने प्रकृति का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से प्रतीकात्मक योजनाओं के साथ किया था, क्या वैसे करने में सक्षम है, क्या वे करते समय कोई भूल कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का हम लोग निरीक्षण करके छात्रों को मार्गदर्शन करें और कवि गोष्ठी का आयोजन करें। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि कवि गोष्ठी या कविता सम्मेलन या कवि सम्मेलन रखने से उस अध्यापक को यह जानकारी होनी चाहिए, कवि हृदय होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कविताओं के सुर ताल लय को या फिर उसके भाव को हम लोग नहीं समझते हैं तब तक कविता शिक्षण जो है वो ठीक से नहीं होगा। इसलिए कवि सम्मेलनों का आयोजन करते समय थोड़ी शिक्षक में भी वह रुचियाँ होनी चाहिए जो उसको अपनाने के लिए कारगर सिद्ध हो। उसके पश्चात अंत्याक्षरी व सुभाषित प्रतियोगिताएं भी हम रख सकते हैं। कक्षा कक्ष में पठन का या पठन कार्य का अगर सुलभ रीत से अगर हम सफल करना चाहते हैं उसको, तो अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत्याक्षरी तो छोटे छोटे छात्र बहुत ही उत्साह से भाग लेते हैं, बड़े कक्षा के छात्र भी इसमें बौद्धिक रूप से तैयार होते हैं। अंत्याक्षरी मतलब केवल गीत गायन ही नहीं, फिल्मों गीतों को गायन ही नहीं, सुभाषितों को भी हम उसमें गायन कर सकते हैं, नए नए शब्दावली का प्रयोग भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि शब्द भंडार का वहाँ पर ज्ञान बढ़ेगा, संस्कृत सुभाषितें हैं या फिर दोहे हों, चौपाइयाँ हों या फिर कविता की पंक्तियाँ ही सही, उसके माध्यम से हम छात्रों को बता सकते हैं कि अंत्याक्षरी में जो है आप भाग लेना है और इससे भी जो है हमारे पाठ का कार्यक्रम समाप्त हो सकता है। क्योंकि केवल कक्षा कक्ष में जाकर किताबें बोर्ड पर कुछ कार्य करके ही हम पाठ पढ़ाएं ऐसी बात नहीं है, कुछ कक्षाओं को या फिर कुछ पाठों को हम लोग केवल मौखिक रूप से पढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं, केवल दृश्य के माध्यम से हम लोग पढ़ा सकते हैं, तो कुछ जो है एक्सकर्शन टूर्स मतलब उसकी भेंट करके हम कर सकते हैं। तो इन सभी सहगामी क्रियाओं का इस्तेमाल करके जो है यदि हम ऐसा करते हैं तो पाठ जो है सफल हो जाएगा। उसके पश्चात अभिनय कला या प्रदर्शन। छात्र अभिनय करने में या फिर नृत्य करने में बहुत
सहभागी होते हैं, छोटे छोटे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें अक्सर हम देखते हैं कि छात्र जो है अभिनय कला में पारंगत होते हैं। इसलिए पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत अभिनय कला का भी हम लोग प्रतियोगिता या फिर मंचन करा सकते हैं। कुछ कुछ छात्र जो है एक पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से मंचन करने में सफल होते हैं, इसलिए उनको जो है, या फिर अभिनय कला जैसे कोई गीत है, उस गीत के माध्यम से उसके भाव को देखकर छात्र किस प्रकार का अभिनय कर सकते हैं या करने वाले हैं, इसको भी हम लोग जानकारी दे सकते हैं। उसका उनका मार्गदर्शन करके हम उन्हें एक नए विषय की ओर जाने के लिए या फिर एक नए विषय को किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम लोग दे सकते हैं। इसलिए अभिनय कला में भी अनायास रूप से छात्रों को पारंगत करा सकते हैं। विद्यालय पत्रिका, एनुअल डे के समय हम लोग यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं कि एक कक्षा में या फिर संपूर्ण महाविद्यालय में एक वर्ष के अंतर्गत, एक साल के अंतर्गत उसमें कौन कौन सी क्रियाओं का आयोजन करते हैं, और ये अनायास रूप से करना ही अनिवार्य समझता हूँ, क्योंकि हर कक्षा में ऐसा करने से या फिर हर विद्यालय में ऐसा करने से जो है छात्र जो है उस विद्यालय पत्रिका में हमारा भी योगदान होगा, हमारे द्वारे लिखे गए रचनाओं का भी उसमें स्थान मिलेगा। इस लिहाज से छात्र उसमें बहुत ही अच्छे रूप से सहभागी होते हैं। इसलिए भित्ति पत्रिकाएँ हो, पोस्टर्स या फिर साहित्यिक विद्यालय पत्रिका हो, उसके माध्यम से भी हम छात्रों के गुणों में विकास कर सकते हैं। छात्र की जो सृजनात्मक शक्तियाँ हैं, हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा चित्र बनाता हो सकता है कोई बहुत अच्छे कोटेशंस लिखने में माहिर हो, कोई अच्छी कविताओं को लिखने में माहिर हो, किसी देखी हुई घटनाओं का उल्लेख करने में या फिर उसका संवाद बनाने में या उसका रिपोर्टाज करने में, उसका रिपोर्टिंग करने में बहुत अच्छा उसका प्रोफेशनल हो। इसलिए इन सभी चीज़ों का, उनमें निहित जो अंतर्निहित जो गुण है, उन सभी गुणों का विकास जो है हम उसके माध्यम से करा सकते हैं, जो छात्र के लिए अनिवार्य भी हो सकती है। क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि बच्चे का अगर करेक्ट रूप, उसका जो उचित रूप या फिर असल बच्चा है क्या, इसकी अगर जांच करनी हो तो हम उसे मैदान में देखना चाहिए। मैदान में बच्चे का निज स्वरूप हम देख सकते हैं। कक्षा कक्ष में हो सकता है कि उत्तर न देने आने के कारण वह थोड़ा सा संकुचित स्वभाव का बने, या फिर कोई गृह कार्य न करने के स्वभाव से जो है कारण जो है वह थोड़ा सा पीछे हट जाए, लेकिन जब वह खेलने के लिए मैदान में जाता है तो उसका जो असली रूप हम देख सकते हैं, तब जो है बारीकी से निरीक्षण करके उसे उस दिशा में हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। साहित्यिक संग्रहालय, ऐसे कई संग्रह हैं जिनमें महान लोगों के द्वारा लिखे गए हस्तलिखित ग्रंथों को संग्रह करके रखा हुआ है। मान लीजिए सुमिंद्रानंदन पंत की ही बात लें या फिर रामधारी सिंह दिनकर की बात लें, दसवीं कक्षा में कण कण का अधिकारी जो पाठ है, उसके माध्यम से उनके द्वारा लिखे गए जो हस्तलिखित कविताएं हैं या फिर उनके द्वारा लिखे गए जो ठोस सबूत हैं या फिर उनके द्वारा संग्रहित की गई या फिर बाद में प्रकाशित की गई जो किताबें हैं, उनका दर्शन हम करा सकते हैं छात्रों के माध्यम से, चाहे वो कक्षा कक्ष में हो या फिर संग्रहालय में जाकर हो। मतलब उन साहित्यिक कृतियों को देखकर हम लोग उन्हें बता सकते हैं कि देखिए, हमने जो यह पाठ पढ़ा, यह पाठ जो है इस पुस्तक का एक अंश है, इसलिए यह भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे संचार माध्यमों के लिए विज्ञान या संचार माध्यमों के लिए विज्ञान की आवश्यकता करके जल ही जीवन है यह पाठ है, मतलब उस बड़ी किताब में से हमारा यह एक छोटा सा पाठ लिया गया है। मतलब संकलन किसे कहते हैं, चाहे वो कविताओं का हो, कहानियों का हो या फिर निबंधों का हो, उनमें से पाठ को कैसे परिवर्तित करके या फिर हूबहू लेते हैं, इसका हम ज्ञान करा सकते हैं। इसलिए ये जो है पाठ सहगामी क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उसके बाद सरस्वती यात्राएं, सरस्वती यात्राएं मतलब छात्र को किसी दर्शनीय स्थल पर लेकर जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि हमने जब यह दर्शनीय स्थल पर जाने की यात्रा जो शुरू की, शुरू करने से लेकर वहां पहुंचने तक और वहां कर जो दर्शन है, वहां की बातों को हम लोग जानने के बाद, देखने के बाद कौन कौन सी बातों को हमें समझ में आई हैं, कौन कौन सी बातों को हमने ध्यानपूर्वक देखा है, उसका वर्णन करने के लिए छात्रों को कह सकते हैं। यह हो गया यात्रा वृत्तांत का भाग। मतलब सरस्वती यात्राओं के माध्यम से हम छात्रों में यात्रा वर्णन इस विधा का उपयोग कराते हुए
उन्हें लिखने की प्रेरणा कर सकते हैं। इससे कई सारी बातों का विकास हो सकता है यात्रा वर्णन से, जैसे छात्र अपनी उस यात्रा के वर्णन के दौरान जो देखने की जो प्रक्रिया है उसे बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण उसका बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि निरीक्षण करने के पश्चात ही वो अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकता है। लिखने का कौशल उसमें बन जाता है, यात्रा वृत्तांत की शैली में कैसे लिखा जाता है इस शैली का उसे पता चल जाता है, उसकी भाषा में अनायास रूप से शुद्धता आती है, नए नए शब्दावली का वो प्रयोग कर देता है, हाँ वहाँ पर दर्शनीय स्थल के बारे में उसका इतिहास क्या है, उसे किसने बंधवाया था, उसकी उपयोगिता क्या है, यहाँ आज कितने सालों से यह ऐसा रखा गया है, तो इन सारी चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करके निरीक्षण करके वह यात्रा वृत्तांत लिखने में सक्षम बन जाता है। इसलिए सरस्वती यात्राएं भी जो है पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से उपयोगी माना जाता है। हम केवल छात्रों को इन पाठ सहगामी क्रियाओं को बताना ही नहीं बल्कि उनके माध्यम से उनमें कौन कौन से बदलाव हम ला सकते हैं, कौन कौन से बदलाव उसमें देखे जा सकते हैं, इनका हमें उन्हें वर्णन कराना चाहिए। जैसे दूसरा एक सहगामी क्रिया है अध्ययन केंद्र स्थापित करना। अध्ययन केंद्र यानी स्टडी पर्पस के लिए, मतलब किसी गहन विषय से संबंधित जहाँ पर अध्ययन अध्यापन किया जाता है, स्टडी सेंटर्स जिसे हम कहते हैं, अध्ययन केंद्रों की स्थापना करने से भी यह एक नई प्रथा मानी जाती है। जैसे उच्च अध्ययन केंद्र शिमला में है हिंदी का, जहाँ पर अलग अलग विषयों से संबंधित गहन अध्ययन करके एक नए शोध का विषय वहाँ पर बनाया जाता है और उसके माध्यम से समाज में जो रूढ़ियाँ प्रथाएँ जो अंधविश्वास मौजूद हैं उन्हें हम कैसे मात कर सकते हैं, उन पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसका जो मनन है वह इन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वे माध्यम हैं जहाँ जाकर छात्र अपने बुद्धि का और ज़्यादा विकास कर सकता है, क्योंकि अपने बौद्धिकता का विकास करना ही शिक्षा का एक माध्यम भी हो सकता है। समाज में कौन कौन सी प्रथाएं चल रही हैं, कौन सी प्रथाएं समाज के लिए हितकारक हैं, कौन सी प्रथाएं समाज के लिए अनहितकारक हैं, इन सभी का वह गहन अध्ययन करता है। इसी के माध्यम से वह इस अध्ययन केंद्र में अपने प्रपत्रों को समर्पित करके एक नए विषय को, एक नए वाद विवाद के विषय को जन्म देकर उसमें से जो अच्छी बातें हैं वह समाज को वह दे सकता है। जैसे हमने वाद विवाद प्रतियोगिता में देखा, उसमें से निकाले जाने वाले छात्रों के द्वारा बताए जाने वाले जो नए नए विचार हैं, उन विचारों को क्या हम स्थायी रूप प्रदान कर सकते हैं, इन सभी का जो अध्ययन हम पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से करा सकते हैं। तो इतने सारे विधाएं हैं, इतने सारे पाठ सहगामी क्रियाएं हैं। जैसे हम श्रव्य दृश्य साधनों में देखा कि एक पाठ को पढ़ाते समय हम उसका कई प्रकार से उसका ये कर सकते हैं, क्योंकि उसका नवीनीकरण करने से जो है हम इसे बहुत सुंदर ढंग से प्रस्थापित कर सकते हैं। अतः सरस्वती यात्राएं हों, अध्ययन केंद्र स्थापित करना हो या फिर कोई और हो, ये पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हमारे ज्ञान अर्जन को और अधिक बढ़ा सकते हैं, छात्रों का विकास करने में सहायक हो सकते हैं। अनुवाद प्रतियोगिता भी एक पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया है, मतलब एक विषय को हम स्थूल रूप से या फिर छोटी मात्रा में, छोटी सी एक खंड के माध्यम से हम उसको दें जिसका अनुवाद वह तुरंत करना होगा, इसकी प्रतियोगिता भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे छात्र जो है बहुत सारे भाषाओं के ज्ञानकार होते हैं, उनको वो भाषाएं आती हैं, जैसे हम जो मातृभाषा पढ़ाते हैं उसके तो जानकार होते ही हैं, दूसरी भाषा के रूप में जो हिंदी पढ़ाते हैं उसके भी जानकार होते हैं, तीसरी भाषा जो अंग्रेजी भाषा सीखते हैं उसके भी जानकार होते हैं। तो हम जो है जैसे एक भाषा का शब्द लिया, मान लीजिए स्वतंत्रता ही ले लिए, हम हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं तो उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साथ साथ आपकी मातृभाषा तेलुगु में क्या कहते हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके मतलब छात्र क्या है थोड़े थोड़े से जो है स्मरण करने लगता है कि मतलब इस भाषा के शब्द को हम लोग कैसे लिखें। स्वतंत्रता हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फ्रीडम कहते हैं, स्वातंत्र्यम इसको तेलुगु में कहते हैं। तो ऐसी चीज़ों का वह इस्तेमाल करके अपने ज्ञान के भंडार को, अपने ज्ञानार्जन को वह और सुदृढ़ बना सकता है।
क्योंकि यह आशु अनुवाद के तौर पर रखना चाहिए, मतलब झटपट तुरंत करने की उन्हें सलाह देना चाहिए। इसमें अधिक समय देने से हो सकता है छात्र इधर उधर की पद्धतियों को अपनाए, इसलिए उसमें जो भाषाई ज्ञान है, उसमें जो शब्द भंडार है वह कितना है, वह कितना सफल उसका उपयोग कर रहा है समय पड़ने पर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल, इन सभी चीज़ों का हम लोग वहाँ पर ब्यौरा दे सकते हैं। कब? जब छात्र जो है उन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में या फिर उन प्रतियोगिताओं में भाग लें, क्योंकि उन्हें बताना चाहिए। कई छात्र जो है, नहीं हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो नहीं आती है, ऐसी मानसिकता पाल कर वो बैठते हैं। इसलिए ऐसी बात न है, बल्कि आप में जो ज्ञान है उस ज्ञान का यह एक रूप से परीक्षण ही है, हमें यह बता देना चाहिए, जिससे कि छात्र जो है आसानी से उसमें भाग लें, अपने तार्किकता का, अपनी कुशलता का, अपने अंदर छिपी, अपने अंदर निहित उन सभी गुणों का वह वहाँ पर विकास करें। यह है अनुवाद प्रतियोगिता। दूसरा है सामूहिक वाद विवाद। सामूहिक मतलब ग्रुप डिस्कशन। पहले जो हमने केवल वाद विवाद प्रतियोगिता देखी, उसमें केवल एक ही छात्र अपने अपने पक्ष को लोगों के सामने या फिर श्रोताओं के सामने रखता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सामूहिक वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन हम जिसे कहते हैं, जैसे एक छात्र जो है एक विषय दिया गया है और उस विषय के प्रति, मतलब उस विषय पर बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए कई सारे छात्र मिल गए हैं। हो सकता है अपने अपनी बात को रखने के लिए उनके पास अपने अपने तर्क हों, तो उनमें कौन सा छात्र अपनी बात को सबसे मजबूत तौर से, सबसे अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है? क्योंकि हमें बहुत सारे विषयों का ज्ञान तो है, लेकिन उसे लोगों तक प्रक्षेपित करने की क्षमता या फिर वो हमें कौशल नहीं है, तो भी वहाँ पर हम निरर्थक होंगे। या फिर हम बहुत अच्छे जानकार हैं, हम बहुत अच्छा प्रेषण भी जानते हैं, हम उनको लोगों तक कैसे पहुंचाना ये भी जानते हैं, लेकिन आपका बोलने का जो कौशल है वो ठीक नहीं है, शब्दोच्चारण की जो प्रवृत्ति है, उसके जो उच्चारण के जो भेद हैं, उच्चारण का जो प्रकार है वह आपको ठीक से नहीं आता हो, तो भी यह निरर्थक होगा। क्योंकि सामूहिक वाद विवाद में आपकी बात को आप स्पष्ट रूप से लोगों को समझाने लायक आप में वो कौशल होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपको उच्चारण शक्ति पर या फिर उच्चारण पद्धति पर कौशल प्राप्त किया हो, शब्दों के उच्चारण संबंधी और कहाँ उसको इस्तेमाल करना है उसके उपयोगी संबंधी ज्ञान हो, जो चर्चा का विषय दिया गया हो उस पर जब आपको पूरी कमांडिंग हो, पूरा अधिकार जब उस पर प्राप्त हो, तब आप यह सामूहिक वाद विवाद जो है सफल रूप से कर सकते हैं, अन्यथा आप पीछे हटे जाएंगे। सामूहिक वाद विवाद से जो है नए नए विषयों के प्रति बातों को हम लोग देख सकते हैं। उसके पश्चात 11वां है, 11th वन, पुस्तक समीक्षा कार्य। पुस्तक समीक्षा करने के लिए भी हम छात्रों को दे सकते हैं, क्योंकि पुस्तक समीक्षा करना यानी केवल उसके दोषों को गिनाना ही नहीं, आलोचना करना यानी उसके गुण दोषों की चर्चा करना, चाहे किसी के द्वारा लिखा गया उत्तर ही क्यों न हो, उसका परीक्षण करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए जब हम छात्र को देते हैं, तब यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि वह चाहे अपने मित्र की हो या फिर शत्रु की, उसमें किसी प्रकार का भी हम पक्षपात नहीं करना चाहिए। पक्षपात रहित यदि हमारी समीक्षा रही, तो हम जो गलतियां कर रहे हैं छात्र, उन गलतियों को दोबारा न करने के लिए सुझाव हम दे सकते हैं। इसलिए जो पुस्तक समीक्षाएं हैं, पुस्तक समीक्षाओं को छात्रों को देते समय यह बात ध्यान रखें कि पुस्तक का जो आकार है, उसका जो उसकी जो कोटि है, उसकी जो विधा है, उस विधा के बारे में जानकार छात्र को ही वो देना चाहिए। जैसे 10वीं कक्षा के छात्र को हम 6वीं कक्षा की किताब दे सकते हैं समीक्षा के लिए, लेकिन 6वीं कक्षा के छात्र को 10वीं कक्षा की किताब हम लोग समीक्षा के लिए नहीं दे सकते हैं। इसलिए पाठ सहगामी क्रियाओं पर जो है प्रश्न का स्वरूप थोड़ा सा अलग आ सकता है, जिसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि मतलब पाठ को अधिक रुचिकर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाना होगा या फिर कौन सी शैली को अपनाना होगा।
कई सारे शैलियों को, पद्धतियों को देकर एक सहगामी क्रिया हुई दे, तो अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करके भी हम पाठ को बहुत अच्छे रुचि से पढ़ा सकते हैं। लेकिन पाठ सहगामी क्रिया से जो है उन सभी शैलियों से बढ़कर, उन सभी पद्धतियों से बढ़कर हम इस पाठ को अच्छे से समझा सकते हैं। इसलिए यह नितांत जरूरी है कि मतलब समीक्षा करते समय हम उसको बहुत अच्छे से समझाएं कि समीक्षा करने की पद्धति क्या है, समीक्षा करने में कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करना है, किस पद्धति की शब्दावली का हम उसमें प्रचलन या होता है या फिर हमें करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को पहले ही यदि हम बता दें तो छात्र अनायास रूप से इन शब्दों को या फिर इन शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए उस पुस्तक से की समीक्षा कर सकता है। उसके पश्चात है दैनंदिनी लिखना। दैनंदिनी मतलब डेली डायरी, रोजनिशी, मतलब सुबह से लेकर हमारी दैनिकचर्या में पूरे दिन भर में रात के सोने तक के समय में हमने आज क्या क्या किया, हमारे द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, हमसे कुछ भूलें हुई है क्या, हमसे कुछ गलतियां हुई है क्या, इन सभी का प्रामाणिक ब्यौरा। दैनंदिनी लिखना उतना आसान नहीं है, उसमें मनुष्य जो है अपने द्वारा किए गए गलतियों का भी उल्लेख करता है। जब अपने द्वारा किए गए गलतियों का उल्लेख वह करता है तब वह प्रामाणिक कहलाती है। ऐसा ना हो कि मतलब आज हमने बिना वजह किसी को डांटा, बिना वजह किसी को मारा पीटा और दैनंदिन में लिख रहे हैं कि आज का हमारा दिन बहुत ही सुगम था, यह झूठ है। वो दैनंदिनी लिखना नहीं बल्कि एक झूठ का इतिहास लिखना होगा। इसलिए दैनंदिनी लिखते समय प्रामाणिकता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप कितने प्रामाणिक होकर उसको लिख रहे हैं, वह लिखने का आपका साधन क्या है, कौन कौन से अध्ययनों को आप ऐसा कर सकते हैं, इन सभी की चर्चा करते हुए हम दैनंदिनी को लिखाना चाहिए, जिससे शैक्षिक उपलब्धि तो मिलती ही है, साथ साथ छात्र जो है अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय या पढ़ते समय उसमें एक नए विषय को अनुभूति कर लेता है। जैसे ये पूरे जो है पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत जो है पुस्तक समीक्षा के साथ साथ दैनंदिनी का भी इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि केवल हमारे द्वारा किए गए बुरे कामों का भी उल्लेख न कर कक्षा कक्ष में पढ़ाए जाने वाले बातों के संदर्भ में भी वह वहाँ पर उल्लेख करता है या फिर कर सकता है। तो एक कक्षा में हमने आज क्या क्या किया, स्कूल में आने से लेकर स्कूल से घर जाने के बाद या फिर जाते समय का वर्णन आप लिख कर लाइए करके एक उदाहरण के रूप में या फिर गृह कार्य के रूप में हम उसको दे सकते हैं। पहले उनको बताएं कि मतलब लिखने की शैली क्या हो सकती है, वह आप अपने आप को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं, मैं के रूप में उसको पढ़ा जाता है। इसलिए इन सभी चीज़ों का, इन सभी शैलियों का हमें उपयोग करते हुए पाठ सहगामी क्रियाओं को भी सफल रूप से अनुलोक करना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान जो है और अधिक बढ़ सकता है, साथ साथ छात्रों के सीखने में बहुत उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि छात्र हर दिन एक ही प्रकार का रूटीन शब्दों का भंडार यूज़ करके, इस्तेमाल करके अनेक प्रकार के पाठों को केवल एक ही मतलब नीरस पद्धति से पढ़ाने के कारण जो है उसको बहुत बोझिल इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अतः ऐसे बोझिल वातावरण से निपटने के लिए छात्रों को जो है यात्राओं पर लेकर जानी चाहिए, किसी दर्शनीय क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए, सामूहिक वाद विवाद हम लेना चाहिए, ज्वलंत समस्याओं पर विचार करके अपने अपने सिद्धांतों को सामने रखने की कोशिश करानी चाहिए। इन सभी के द्वारा हम छात्र के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन पाठ सहगामी क्रियाओं का शिक्षण कला में या फिर शिक्षण क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बिना इनके हम पाठ के उद्देश्यों को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ को पढ़ा रहे हैं उनके पूर्ति के लिए हमें न केवल एक प्रकार का अध्ययन का पद्धति को अपनाना है बल्कि उसमें विविधता होनी चाहिए, उसमें कलात्मकता का विकास भी होना चाहिए। इसलिए यह पाठ सहगामी क्रियाओं का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। उसके पश्चात है कहानी प्रतियोगिता। हम 13वां देखिए पाठ सहगामी क्रियाओं में कहानी प्रतियोगिता।
कहानी को लिखने की प्रतियोगिता हम लोग रख सकते हैं कक्षा कक्ष में या फिर किसी राष्ट्रीय त्यौहार के समय पर, और उन्हें पुरस्कृत कर सकते हैं। क्योंकि कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी लिखने के क्या मार्ग हो सकते हैं, उसके सोपान क्या क्या हो सकते हैं, इन सभी की चर्चा कर हम यदि छात्रों को बता दें कि यह कहानी विधा है, कहानी विधा में इन इन सूत्रों को याद रखा जाता है, उसके जो पक्ष हैं उसको ध्यान किया जा सकता है, और ज्वलंत समस्याओं पर मतलब जो बताई जा रही बातें हैं उन्हें हम कैसे संप्रेषित कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी हमें चर्चा करनी चाहिए। साथ साथ कहानी प्रतियोगिता में याद रखना चाहिए कि कहानी के तत्व क्या हैं, ये अल्प मात्रा में कम शब्द में उनको समझाएं कि कहानी का एक उद्देश्य होता है, उसके संवाद होते हैं, कथोपकथन होता है, मतलब उसके स्टोरी डायलॉग्स को आगे बढ़ाते हैं, हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, पात्र महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे कार्य उनका भी हम उल्लेख कर सकते हैं, और उसका उद्देश्य क्या है, वह सफल बनी या असफल बनी, इसकी भी हम लोग जानकारी छात्रों को दे सकते हैं और कह सकते हैं कि क्या आपने ऐसा कहीं या फिर ऐसा कभी करने का प्रयास किया है जिसमें आप एक बहुत अच्छी सी कहानी लिख सकते हो। तो छात्र हमारे द्वारा देखे गए समाज में जो कुरूप हैं, जो गलत गलत धारणाएं हैं, जो गलत प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को देखकर उसके संदर्भ में उनके मन में आ रहे भावों को वह व्यक्त करने की कोशिश करता है। इसलिए छात्र को चाहिए कि मतलब हमारी भाषा कौशलों का अधिक से अधिक प्रयोग करके लिखते रहने का प्रयास, या लिखते लिखते हम जो कहते हैं कि कहानी प्रतियोगिता के माध्यम से हम देखते हैं कि नई नई शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं, लिखते लिखते अनायास रूप से उनके मुंह में से एक मुहावरा चला जाता है, तो वो समय और संदर्भ को ध्यान में रखकर इन कौशलों का हम लोग विकास बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। चौदहवा है हास्य मुकदमे। मुकदमे मीन्स फेस्ट्स, मतलब कार्यशालाएं हम लोग चला सकते हैं, किसके, हास्य मुकदमों के। सभी छात्र लगभग जोक्स कहते हैं, शैक्षिक जोक्स हों या फिर किसी प्रकार के साहित्यिक हास्य संगठनाएं हों, उनसे संबंधित छात्रों को जानकारी देनी चाहिए। यह भी शिक्षा के माध्यम को मजबूती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसमें छात्र यह देखता है कि हम किस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं एक हास्य का चुटकुला सुनाने के लिए। उसमें जो निहित बात है उसके अर्थ को सामने वाले को समझाना भी अपने आप में विशेष माना जाता है, क्योंकि हास्य मुकदमों में जो हम बात जिस किसी को लेकर, जिस किसी को टारगेट करके हम कह रहे हैं, उस भाव को वो समझने लायक हों, यदि समझते हैं तो उसमें अंदर, उसके अंदर जो छिपी प्रतिभा है उसको वो जान लेते हैं, लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते हैं तब जो है उसका निरर्थकरण साबित होता है। इसलिए हास्य मुकदमों को भी हम पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद पश्चात है पंद्रहवा तात्कालिक भाषण। तात्कालिक मतलब तुरंत दिया जाने वाला भाषण। मान लीजिए आपके महाविद्यालय में या फिर विद्यालय में कोई विशेष अतिथि आए हों, सडनली उनका औचित्य वहाँ पर आ गया हो, वे पधार गए हों, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति विशेष के प्रति उन्हें कितनी जानकारी है, वह व्यक्ति किस विभाग से संबंधित है, उसकी इससे पहले की कौन कौन सी क्रियाएं या फिर उसके कौन कौन से कार्य हमारे समाज को एक अच्छे रूप में या अच्छे आगे बढ़ने के लिए काम देते हैं, इन सभी की जानकारी उसमें होनी चाहिए, तभी वो बात कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए तात्कालिक भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हमें पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत लेनी चाहिए। इससे छात्र एक देखे हुए, सुने हुए या फिर कभी एक बार देखे हुए उस व्यक्ति को किस प्रकार से संबोधित करता है, किस प्रकार से उनके गुणों को लोगों के सामने रख सकता है, इससे उस छात्र का भी नाम होगा और जो अतिथि है उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसलिए तात्कालिक भाषण देना भी जो है अपने आप में एक कला है। तुरंत उनके पॉइंट्स को, उनकी बातों को ध्यान में रखकर एक के बाद एक जो है हम उसको प्रेषित करें, तो यह जो है भाषण कला
जो भाषण सहगामी क्रिया है वह भी जो है साबित हो सकते हैं। तो तात्कालिक भाषण में याद रखना है, आप जल्दबाजी में गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें। भाषा की जो गति है, भाषा बोलने की जो गति है, पढ़ने की जो गति है, उस पर भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि केवल आप मंत्रोच्चारण करते करने लायक जोर जोर से पढ़ें जो कि किसी को समझ में ही नहीं आए। भाषण मतलब हमारे मन के भावों को हम श्रोताओं तक पहुंचाना, हमारे मन के भावों को उन तक प्रेषित करना। इसलिए तात्कालिक भाषण में भाषाई कौशलों पर विकास करते करते शब्दोच्चारण पर भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यह थी पाठ सहगामी क्रियाएं, जिनका हम अवलंबन करके एक पाठ को बहुत अच्छे से और बहुत ही सरल ढंग से हम उसको पढ़ा सकते हैं या फिर प्रेषित कर सकते हैं। उसके पश्चात है भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला मतलब लैंग्वेज लैब, जिसमें अब यह मतलब सवाल उठ सकता है कि मतलब हमें तो केवल विज्ञान से संबंधित लैब ही पता है, चाहे वह रासायनिक लैब हो या जीवशास्त्र का ही वो प्रयोगशाला हो, तो उनमें वो नितांत जरूरी है। लेकिन भाषा प्रयोगशालाओं में क्या इसकी आवश्यकता है? क्योंकि उसकी आवश्यकता ज़रूर है। भाषा शिक्षण को जितना हम थ्योरेटिकली पढ़ा सकते हैं, उससे भी कई ज़्यादा बेहतर हम भाषाई प्रयोगशाला के माध्यम से उसको अपनाकर पढ़ा सकते हैं। शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम विकसित किया गया है, जो कि LCD प्रोजेक्टर या 40 माइक्रोफोन इंटरेक्टिव बोर्ड व कंप्यूटर से सुसज्जित है। मतलब अपने द्वारा पढ़ाए जा रहे उन कौशलों को, अपने द्वारा पढ़ाए जा रहे बताए जा रहे उन पाठ सामग्री को और अच्छे मतलब प्रभावशाली ढंग से छात्रों तक प्रेषित करने के लिए स्मार्ट क्लासेस या डिजिटल क्लासेस हम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पर TSAT के माध्यम से जो है ये कार्यक्रम भी बताए जाते हैं, और साइट जो स्टेट इंस्टीट्यूशनल बोर्ड होता है उसके माध्यम से भी ये डिजिटल क्लासेस लगाए जाते हैं। तो ये क्या है? भाषाई प्रयोगशाला है। एक पाठ को हम कितने डिजिटली करके पढ़ा सकते हैं, उसमें कौन कौन से श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करके हम लोग उसको पढ़ा सकते हैं, इस पर ये चर्चा होती है। इसलिए कई सारे मतलब स्मार्ट क्लासरूम जो है विकसित किए गए हैं, जिनमें LCD प्रोजेक्ट के द्वारा या फिर OHV ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा या कई अलग प्रकार से जो है इन सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। भाषा प्रयोगशाला मतलब केवल प्रयोग करना ही नहीं, बल्कि उस प्रयोगों को छात्रों को करने लायक भी देना, यह उसका एक महत्वपूर्ण बात माना जाता है। तो उसमें कंप्यूटर ये सब भी जो है भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की झिझक को दूर करके भाषा प्रवाह और आत्मबल को विकसित करना है। भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की झिझक को दूर करके भाषा प्रवाह और आत्मबल को विकसित करना। कई सारे छात्र जो है ठीक से बहिर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। तो जो अंतर्मुखी होते हैं वे अपने द्वारा किसी बात को ठीक से अध्यापक को नहीं बताते हैं या फिर प्रेषित नहीं करते हैं। इसलिए उनकी वो जो झिझक है, उनकी वे जो क्रियाएं हैं जो ठीक से वो कक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्रियाओं को हम जानकर उसका निवारण करने के लिए भाषा प्रयोगशाला नितांत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक माना जाता है। क्योंकि उसका प्रवाह, भाषा का जो प्रवाह है और साथ साथ जो आत्मबल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, उससे हम विकसित कर सकते हैं। अरे नहीं, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं औरों की तरह ये बातें मैं लोगों के सामने आसानी से कह सकता हूँ, इसका जो कॉन्फिडेंस है, इसका जो आत्मबल है, हम उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए भाषा प्रयोगशाला भी हमें ज़रूरी लगता है। उसके साथ साथ भाषा प्रयोगशाला शिक्षण के पारंपरिक तरीके से और पूरी तरह से अलग भाषा कौशल प्रदान करने में एक तकनीकी स्रोत है। वही रटाई पिटाई और घुटाई जो हमने कही थी, एक ही पद्धति का अवलंबन करके पाठों को पढ़ाने के बजाय हम उस पारंपरिक पद्धति को न अपनाकर एक अलग भाषा कौशल प्रदान करने में हम सक्षम हो सकते हैं, और उसके लिए एक तकनीकी स्रोत है भाषा प्रयोगशाला। क्योंकि यह जो प्रयोगशाला होता है, पारंपरिक शिक्षण पद्धति को स्थगित कर नए विचारों को, नए पद्धतियों को,
नए विषयों को हम छात्रों तक कैसे प्रेषित कर सकते हैं, इसका एक नया स्रोत है, एक तकनीकी स्रोत, जिसमें हम कक्षा कक्ष में जाने से पहले या फिर जाने के बाद जो है हम इस कक्षा के कार्यक्रम को बहुत ही तकनीकी रूप से इस स्रोत के माध्यम से हम छात्रों तक प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए भाषा प्रयोगशाला जो है पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों का अपनाकर पढ़ाने के बजाय, उन्हें अपनाकर पढ़ाने के या समझाने के बजाय एक नई तकनीक का इस्तेमाल करके हम पाठ को पढ़ाते हैं, जो कि छात्र उसमें रुचि भी लेते हैं और उसका अध्ययन अध्यापन करने के लिए कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हम लोग प्रेषित कर सकते हैं। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर पर यदि हम किसी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, केवल मौखिक रूप से उनका विश्लेषण करते हुए स्क्रीन पर या पर्दे पर उसके संबंधित बातों को हम बताना, यानी छात्र जो है आँखों से देख भी रहे हैं और कानों से सुन भी रहे हैं, अनायास रूप से उनके देखने पढ़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, सुनने के कौशल का भी उसमें अनायास रूप से विकास होगा। तो भाषा प्रयोगशाला से क्या लाभ है, ऐसा यदि प्रश्न पूछते हैं तो हम बताना चाहिए कि भाषा प्रयोगशालाओं में मौखिक रूप से इधर हो तो ऐसा लॉन्गली बता सकते हैं, तो उससे जो है वाचन कौशल में और दृश्य पटल को देखने में इन कौशलों का भी हम इस्तेमाल या फिर उपयोग कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए भाषा प्रयोगशाला का भी बहुत आवश्यक माना जाता है। भाषा प्रयोगशाला मूल भाषा कौशल की पद्धति को विकसित करता है। यह व्यक्तिगत ध्यान का लाभ उठाने के माध्यम से सीखने और एक पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत वातावरण में सिखाने के पद्धति के माध्यम से भाषा में महारत हासिल करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। मतलब संगणक के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से छात्र को संपर्क दिलाकर, उन दोनों का संगम करा के एक नए विकसित पद्धति को हम इसमें पढ़ा सकते हैं। और आगे कहा है, यह व्यक्तिगत ध्यान का लाभ उठाने के माध्यम से सीखने के और एक पूरी तरह से कंप्यूटरकृत वातावरण सीखने की पद्धति के माध्यम से भाषा में महारत हासिल करने के लिए यह मदद करता है। मतलब भाषाई कौशलों को विकसित करने के लिए भाषा के साधनों का इस्तेमाल करते हुए भाषा प्रयोगशाला यह एक ज़रूरी अवसर प्रदान करता है और यह एक तकनीकी स्रोत है करके हमने कहा। मतलब व्यक्तिगत ध्यान का लाभ उठाने के लिए एक नए माध्यम से पाठ को पढ़ाने के लिए इसका हम मदद करते हैं या फिर इसकी मदद हम लेते हैं। इसकी महत्व और प्रासंगिकता क्या है कि यह किसी भी भाषा शिक्षण के लिए डिज़ाइन उपकरण है। यह छात्रों की बढ़ती ध्यान अवधि में मदद करता है। यह छात्रों में सार्वजनिक बोलने के डर को हटा देता है और यह छात्रों में आत्मविश्वास डालता है। मतलब यह अनायास रूप से कई प्रकार के बातों को इससे निवारण कर सकते हैं। और उसका ये प्रासंगिकता है कि जो सार्वजनिक बोलने में, कई लोगों के सामने बात करने में लोग डरते हैं, झिझकते हैं, उनमें स्टेज फियर होता है, तो ऐसे बातों को हम पता लगाकर भाषाई प्रयोगशाला के माध्यम से हम इसको दूर कर सकते हैं। तो इसके महत्व कई सारे हैं, जैसे सुनना। इसके उद्देश्य छात्र किसी भी बाहरी शोर के बिना किसी भी भाषा को उनकी हेडसेट के साथ सुन सकते हैं। छात्रों के मानक उच्चारण सुनने के द्वारा भाषा कौशलों को आत्मसात कर सकते हैं। जिन शब्दावली को हम लोग कक्षा कक्ष में उच्चारण करते हैं, जैसे वर्ण ही हो, महाप्राण या अल्पप्राण ध्वनियों को हम किस प्रकार से बताते हैं, उसका सुसज्जित और व्यवस्थित रूप हम सुन सकते हैं उसमें भाषाई प्रयोगशाला में। साथ साथ बाहरी शोर के, मतलब कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय बाजू के क्लास में मान लीजिए लीजर पीरियड है तो उसका शोर हमें सुनाई देता है। इस शोर के कारण भाषाई उच्चारणों को छात्र ठीक से नहीं सुन पाते हैं या फिर हमारे किसी महत्वपूर्ण चीज़ को वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी जो गड़बड़ियाँ हैं, ऐसे जो संकट है, उन संकटों से हम मुक्त हो सकते हैं भाषाई प्रयोगशाला में, क्योंकि हम हेडसेट के द्वारा जो है उसको सुन सकते हैं और बिना किसी शोर मचोल के। इसके साथ साथ जो मानक उच्चारण होते हैं शब्दों के, उनको भी हम सीख सकते हैं आसानी से। प्रतिक्रिया, भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य में प्रतिक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। छात्र सबक के बाद बोली जाने वाली मॉडल को दोहरा सकते हैं और उन्हें संचालित और मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब आपको जो सबक दिया गया, आपको जो शिक्षा दी गई, उच्चारण की हो या फिर किसी और चीज़ की, उसे आप तुरंत दोहराने की कोशिश करते हो।
उसका प्रयोग बार बार करके जो है उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हो। इससे क्या होता है कि उन्हें उस भाषाई प्रतियोगिता का या फिर भाषाई कौशलों का संचालन करने में और मूल्यांकन करने में आसानी होती है कि हम इस भाषा का उच्चारण करने में या फिर प्रयोग करने में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। इसका स्वयं मूल्यांकन करके वह जो है पता लगाता है कि यह क्या। उसके बाद अभिलेख, एक सीधा विद्यार्थी की आवाज़ की तुलना और भाषाविद के उस पेशकश के द्वारा भाषा के सभी जटिल पहलुओं को उठाया जा सकता है। एक सीधा विद्यार्थी उसकी आवाज़ और उसकी तुलना में एक भाषाविद की आवाज़ जो है उसके पेशकश मतलब उसके प्रस्तुतिकरण में क्या अंतर होते हैं, उसमें क्या जटिल पहलुए होते हैं, उसका उन पहलुओं को उठाया जा सकता है कि मतलब एक छात्र के उच्चारण में यह दोष है और एक भाषाविद के उच्चारण में यह समानताएँ पाई गई हैं। इसके माध्यम से भी हम उसको समझा सकते हैं। मूल्यांकन करना, भाषाई प्रयोगशाला का यह उद्देश्य है कि छात्र अपने उच्चारण को सुनने के द्वारा खुद को मूल्यांकन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक शब्द को कैसे उच्चारण किया जाता है, किया जाना चाहिए, उसका मूल्यांकन छात्र स्वयं करने लग जाता है क्योंकि इसमें इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि ऐसे करने से मूल्यांकन करने की जो पद्धतियाँ हैं वो अपने आप में आत्मसात करता है। यदि किसी पाठ को पढ़ाने के लिए अध्यापक न भी रहें तो वे जो है आसानी से उसको मूल्यांकन करके उसमें परिवर्तन करा सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। इसलिए मूल्यांकन करना भी जो है एक विशेष उद्देश्य माना जाता है भाषाई कौशलों का। उसके पश्चात है निगरानी और मार्गदर्शन। शिक्षक स्वतंत्र रूप से अन्य छात्रों को परेशान करने के बिना प्रत्येक छात्रों पर नज़र रखते और तुरंत उन्हें ऑनलाइन मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाषाई प्रयोगशाला में छात्र बैठकर अपने अपने काम कर रहे हैं, उनकी निगरानी भी कर सकते हैं। एक कक्षा कक्ष में कंट्रोल रूम में बैठकर जो है छात्र कौन कौन से क्या क्या कर रहे हैं उन पर ऑनलाइन निगरानी रखकर जो है वे उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं। फलाने संगणक के सामने बैठा व्यक्ति कुछ अवांतर कार्य कर रहा है, उसे आप तुरंत बिना किसी को रोके टोके केवल उसी छात्र को हम दिशा निर्देशन कर सकते हैं। जबकि कक्षा कक्ष में यह संभव नहीं है, कक्षा कक्ष में उसको हम समाप्त कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो बातें बताई जाती है वो सभी के सामने प्रेषित करती हैं। और अंत में जो घटक है, छात्र सांत्वना एक मास्टर सांत्वना से जुड़ा रहता है शिक्षकों की सांत्वना से। छात्र सांत्वना देने के लिए वेब कैमरा, फोन सेट्स, अध्ययन सामग्री, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, समस्या निवारण गाइड की आदि का उपयोग हम कर सकते हैं। मतलब इसमें सांत्वना देने के लिए हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि भाषा प्रयोगशाला का जो प्रयोग है वह आसानी से हो जाए। तो इस कक्षा कक्ष में हमने 5वीं इकाई के भाग दूसरे में पाठ सहगामी क्रियाएँ और भाषा प्रयोगशाला पर विशेष चर्चा की थी। आपसे पुनः अनुरोध है कि आप जब यह कार्यक्रम TSAT के माध्यम से YouTube के जरिए देख सकते हैं तो इसमें जो सुझाव है आपके सहर्ष स्वागत है क्योंकि व्यक्ति कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें जो गलतियां होती है उसको सुधार करने का मौका दिए तो उसमें आने वाली कक्षाओं में हम सुधार कर सकेंगे। देखें और ज़रूरी जो सहर्ष स्वागत करते हैं आपके सुझावों का। अगली कक्षा में हम पुनः एक नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभाशीष।